Don't forget to click on bell icon to get all latest updates. सुपरस्टार प्रभास की फिल्म साहो 30 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में श्रद्धा कपूर, नील नितिन, मुकेश, अरुण विजय, जैकी श्रॉफ, मंदिरा बेदी, चंकी पांडे, महेश मांजरेकर जैसे कई सितारे हैं। इस फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपए है और इसे देश भर में 10,000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जा रहा है। ये तो हुई आंकड़ों की बात, लेकिन इस फिल्म में ऐसा क्या है जिसके लिए आपको इसकी टिकट खरीदनी चाहिए, चलिए जानते हैं। पहले नंबर पर है कि जबरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस। फिल्म की स्टोरी लाइन क्या है और कहानी कैसी है ये तो फिल्म रिलीज होने पर ही पता चलेगा, लेकिन अभी हम कम से कम इतना जरूर जानते हैं कि इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन दिखाया गया है। तो अगर आप एक्शन फिल्में देखने के शौकीन हैं, तो जरूर आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं। फिल्म में कुछ सीन्स ऐसे हैं जिनके एक सीक्वेंस के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। दूसरा, प्रभास की मेगा बजट फिल्म बाहुबली और बाहुबली 2 के बाद प्रभास एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर एक बार फिर करोड़ों रुपए दांव पर लगाए गए हैं। तो अगर आप प्रभास के फैन हैं और लार्जर देन लाइफ फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं। ट्रेलर देखकर एक बात का साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में बहुत कुछ दिखाया जाने वाला है। तीसरा, मल्टी विलन कॉम्बिनेशन। फिल्म में कोई एक मेगा विलन रखने की बजाय मेकर्स ने कई सारे विलन्स को एक साथ लाने का फैसला किया है। नील नितिन, मुकेश, जैकी श्रॉफ और महेश मांजरेकर इस फिल्म में ग्रे शेड में नजर आएंगे। ये तीनों कलाकार संभवतः पहली बार एक साथ पर्दे पर नजर आ रहे हैं। और यदि आप इस विलन कॉम्बो को देखने में दिलचस्पी रखते हैं, तो ये फिल्म देखने जा सकते हैं। चौथे नंबर पर है रियल एक्शन हॉलीवुड लेवल शूट। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद ज्यादातर लोगों के मुंह से एक ही रिएक्शन निकला था, ये तो हॉलीवुड टाइप है। प्रभास का दावा है कि फिल्म में बहुत ज्यादा VFX वर्क नहीं है और ज्यादातर एक्शन सीक्वेंसेस उन्होंने खुद किए हैं। तो प्रभास के ये रियलिस्टिक स्टंट, जबरदस्त चेजिंग सीन्स और हॉलीवुड लेवल की शूटिंग देखने के लिए आप टिकट खरीद कर सिनेमा घरों में जा सकते हैं। इस फिल्म को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है और पहले दिन इसके धमाकेदार बिजनेस की उम्मीद लगाई जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की रिलीज से पहले ही राइट्स और बाकी चीजें बेचकर तकरीबन 333 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। बता दें कि एक्टर प्रभास ने फिल्म की रिलीज से पहले इंटरव्यू में कहा कि वो भी फिल्म की रिलीज से पहले दबाव में है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बाहुबली में जहां कई अहम किरदार थे, वहीं ये फिल्म तकरीबन पूरी तरह से उनके कंधों पर है। तो अब देखना दिलचस्प रहेगा कि 30 अगस्त को फिल्म साहो सिनेमा घरों में क्या कमाल दिखा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज, प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।